हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोपल्स क्रिएशंस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिप्पन आर्ट बोर्ड बनाने की पूरी प्रोसेस देखेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ यूजफुल ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग क्रिएशंस के वीडियो आपको मिलते रहें। मैं यहाँ एक पुरानी पेंटिंग का बोर्ड ले रही हूँ। आप न्यू कैनवस बोर्ड या प्लाईवुड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लें। आपके पास जो भी शेप के मिरर पीसेज हैं उसके बेसिस पे डिज़ाइन बना लीजिए। अब बोर्ड को पेंट कर ले। मैंने यहाँ एक्रेलिक कलर यूज़ किया है ताकि मैं ओल्ड पेंटिंग को इजीली कवर कर सकूँ। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद मेरा बोर्ड रेडी है लिप्पन वर्क स्टार्ट करने के लिए। अब जो डिज़ाइन हमने डिसाइड किया था उसे पेंसिल से लाइटली ट्रेस कर लें। इस बार हमें ये डिज़ाइन साइज एंड मेजरमेंट से बनाना है। तो मैंने यहाँ सर्कल को 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और रेफरेंस लाइंस बना दी। हर पार्ट में सिमेट्रिक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पेपर पे ऐसे डिज़ाइन कट कर लिया और अब ये कटआउट से मैं सारे पार्ट्स में सेम साइज़ की डिज़ाइन स्केच कर लूँगी। यहाँ ट्रिक ये है कि जब आप क्ले वर्क स्टार्ट करते हैं तो शेप और साइज़ का कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप ये कटआउट वाला ट्रिक यूज़ करते हैं तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही इजीली सिमेट्रिक बनेगी। पूरा डिज़ाइन ट्रेस होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। डिज़ाइन बनने के बाद आप रेफरेंस लाइंस मिटा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर आपके बोर्ड का बेस कलर डार्क है तो फेविकॉल डायरेक्टली ना यूज़ करें। थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इसे ब्रश से यूज़ करें, उससे आपका बोर्ड क्लीन बनेगा। यहाँ आप मॉडलिंग क्ले यूज़ कर सकते हैं जो क्राफ्ट स्टोर्स या ऑनलाइन ईजीली मिल जाती है। तो अगली ट्रिक ये है कि क्ले की लाइंस डायरेक्टली हाथ से बनाने से बेटर है कि एक स्पंज का टुकड़ा यूज़ करें। उससे क्ले लाइंस इजीली काफ़ी यूनिफॉर्म बन जाती हैं। अगर आप सोचने लगे हैं कि स्पंज का टुकड़ा कहाँ से लाऊं, तो टेंशन नॉट, ये सबके किचन में मिल जाता है। आपके बर्तन धोने का जो स्क्रब है ये उसी का बैक साइड है। बोर्ड पे ब्रश से फेविकॉल लगाते हुए इन लाइंस को स्टिक कर लें और नाइफ की हेल्प से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लें। मिरर की प्लेसिंग भी नाइफ से सही कर सकते हैं। और अगर एम्प्टी स्पेस में फेविकॉल लग भी जाता है तो डोंट वरी, क्योंकि ड्राई होने पे वो विजिबल नहीं होगा।
मैंने बोर्ड ओवरनाइट सूखने दिया था क्योंकि फेविकॉल एंड क्ले हैंडल करते टाइम मैं नहीं चाहती थी कि बोर्ड के कलर्स क्ले से मिक्स हों। ऐसा करने से मेरी क्ले पूरी वाइट रहेगी और मुझे एंड में अलग से इसे वाइट कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं। बॉर्डर पे परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के लिए एक ट्रिक है। पहले क्ले की लाइन चिपका लीजिए और सूखने से पहले मेजरिंग टेप या स्केल रख लें और क्ले की लाइन साइड पे पुश करें। इससे क्ले परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। मैंने यहाँ बोर्ड की लेंथ जो कि 40 सेंटीमीटर्स है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 8-8 सेंटीमीटर के मार्किंग्स लगा दी। मिरर्स लग जाने के बाद कुछ बड़ी वाली स्पेसेस को क्ले की डिफरेंट शेप से भर दें, बट हर जगह क्ले ना यूज़ करें, थोड़ा बेस कलर भी दिखने दें। और हाँ, एक ज़रूरी टिप, मॉडलिंग क्ले से हाथों में काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है, तो सब होने के बाद हाथ क्लीन करके मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें। और सारी मेहनत के बाद फाइनली बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप सारे ट्रिक्स फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बोर्ड काफ़ी क्लीन बनेगा और आपको फिनिशिंग में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और न्यू वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल कोपल्स क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्रिएटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर।